वृंदावन में हरियाली तीज पर बांके बिहारी के झूला दर्शन के लिए देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे वृंदावन क्षेत्र को कई जोन और कई सेक्टरों में बांटकर एडिशनल एसपी और सीओ रैंक के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नगर के प्रवेश मार्गों से लेकर बांके बिहारी मंदिर परिसर और मंदिर जाने वाले रास्तों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे। ये व्यवस्था मंगलवार और बुधवार दो दिन लागू रहेगी। मंगलवार को वृंदावन पहुंचे एसपी सिटी एमपी सिंह ने दोपहर को बांके बिहारी मंदिर पर सुरक्षा इंतजामों को देखा। वहीं प्रवेश मार्गों पर ड्यूटी पॉइंट चेक किए। एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में 3 एडिशनल एसपी, 8 डिप्टी एसपी, 20 इंस्पेक्टर और करीब 110 सब इंस्पेक्टर के अलावा पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं शाम को वृंदावन पहुंचे एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने नगर के प्रवेश मार्गों पर पुलिस व्यवस्था देखी। इसके साथ ही उन्होंने नगर के कई क्षेत्रों और मंदिरों के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस बीच एसएसपी ने यहां आने जाने वाले श्रद्धालुओं से पुलिस व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। देखिए, जैसे कि कल हरियाली तीज का पर्व मनाया जाना है और वृंदावन में बहुत लोगों की इस पर्व पर आगमन की संभावना है, लोगों की आस्था है। बरसाना में भी इसी प्रकार से लोग आकर के मंदिर दर्शन करते हैं। व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें, जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, सुगमता और सुविधा के लिए एक बृहद ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। एक्सप्रेसवे से आने वाले सभी वाहनों को, जो रोड है उस पर कई पार्किंग बनाई गई हैं। पशु पैट है, दारू पार्किंग है, चौहान पार्किंग है, इसके अलावा और अन्य पार्किंग पर रोका जा रहा है। इसी प्रकार से एनएच से आने वाले वाहनों को मल्टी लेवल पार्किंग और जो उसके पीछे पार्किंग है, इसके बाद ई रिक्शाज और बाकी माध्यमों से जाने की सुविधा प्रोवाइड की गई है। मैं आने वाले सभी दर्शनार्थियों को सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। जो भी यहाँ पर आए, जो भी प्रशासन द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो भी व्यवस्था बनाई गई है, उसको पालन कराने में और उसको सुचारू रूप से चलाने में हमारा सहयोग करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को असुविधा यहाँ पर ना आ पाए। मंदिर में किस प्रकार से बात की जाए, ठाकुर बांके बिहारी को किस तरह से व्यवस्था की जाएगी? देखिए, बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस बल वहाँ पर तैनात किया गया है। एंट्री और एग्जिट के गेट्स अलग रखे हुए हैं, ताकि जो लोग दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे हैं और जो दर्शन करने के बाद एग्जिट हो रहे हैं, कहीं पर भी वो क्रॉस ना हो या कहीं पर भी आपस में एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, इसलिए वो बनाया गया है। उसके लिए बैरिकेडिंग भी कराई जा रही है, ट्रैफिक का प्लान भी वहाँ पर बनाया गया है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार दिन और रात के लिए अधिकारी जो हैं वो पोस्ट किए गए हैं। जनपद मथुरा के अलावा रेंज के अन्य जनपदों से भी फोर्स प्राप्त हुआ है, पीएसी भी लगाई गई है और ट्रैफिक की भी काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है।